ये हमारी पर्दी है कूलर की, और ये घास है। ये घास आपको मार्केट में 100 से 150 रुपए की मिल जाएगी। ये आप लेके आओगे, आप डबल भी लगा सकते हो, लेकिन उससे जो एयर का सक्शन है वो बहुत कम हो जाता है। अगर आप डबल लगाएंगे तो एयर का सक्शन कम हो जाएगा, लेकिन कूलिंग थोड़ी अच्छी होगी। बट अगर आप थोड़ी एक ही लेयर लगाओगे घास की, तो उससे हवा का प्रेशर सही रहेगा, कूलर पे ज़्यादा जोर नहीं पड़ेगा। तो अभी हम ये एक ही घास लगा रहे हैं। ये देखिए, इसको आपको ऐसे फैला देना है इस पे पूरे पे सही से चारों तरफ। इस पे फैलाने के बाद इसको यहाँ से अंदर ठोक देना है। क्योंकि जब पानी से ये घास गीली होती है तो ये नीचे खिसक जाती है, तो इसको यहाँ पे सही से अंदर की तरफ डाल देना है। और इसके बाद हम इस पे एक जाल का तार लगाएंगे। ये जाल का तार भी आपको 50 से 100 रुपये में मिल जाता है, मार्केट में 3 मिल जाते हैं 50 के। तो इसको आप पकड़ेंगे और इसको भी अंदर की तरफ सही तरीके से लगा देंगे। उसके बाद हम इस तार को किसी भी एक पतले लोहे के वायर से बांध देंगे। ये देखिए, ये मैंने लगा दिया। अब इसको मैं यहीं पे इसके जॉइंट्स को किसी एक तार से बांध दूंगा, जिससे कि ये लूज़ होकर नीचे ना निकले। प्रोसेस है कूलर में घास लगाने का। और अगर आपके पास तार नहीं है इसको बांधने के लिए लोहे का, तो आप धागे से भी इसको बांध सकते हैं, क्योंकि धागा भी कटता नहीं है पानी से, तो वो काम करेगा।